राहुल गांधी का आज प्रदेश दौरा है। अलवर के थानागाजी पहुंचे राहुल गांधी। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उनके साथ मौजूद दिखे। गैंगरेप पीड़िता के परिवार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। थानागाजी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और खराब मौसम के चलते बुधवार को ये दौरा टाला गया। इसके बाद बिहार के पटना और यूपी के कुशीनगर में आज जनसभाएं करेंगे। देश भर में अलवर के थानागाजी पर सियासत तेज हो चुकी है और इसी के तहत हर कोई पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचा और इसी के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अलवर के थानागाजी पहुंचे और पीड़िता से और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। खराब मौसम के चलते बुधवार को राहुल गांधी का दौरा टाला गया। चूंकि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना काफी मुश्किल था और इसी के चलते आज अलवर के थानागाजी पहुंचे राहुल गांधी और पीड़िता से मुलाकात की। गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया और साथ ही उचित कार्रवाई की आश्वासन भी दिया। खराब मौसम के चलते बुधवार को चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा टाला गया और आपको बता दें आज राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर है। चूंकि अलवर के थानागाजी में इन दिनों जिस तरह से पीड़िता से हर कोई राजनीतिक पार्टियों के नेता मुलाकात करने पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचे, इसी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, बुधवार को ये दौरा टाला गया चूंकि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना मुश्किल हो सकता था, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि अलवर के थानागाजी को लेकर देश भर में सियासत तेज हो चुकी है और हर कोई, हर नेता, हर मंत्री पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? राहुल गांधी ने अलवर में पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और क्या उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, बताना चाहूंगा ज्योति कि काफी ये नेशनल लेवल का मामला हो चुका है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थानागाजी दुष्कर्म मामले उठाया था तो ये राष्ट्रीय मामला बन गया और उसके बाद राहुल गांधी का दौरा कल प्रस्तावित था लेकिन खराब मौसम के कारण वो कल नहीं आ पाए। आज वो सीधे हेलीकॉप्टर से थानागाजी पहुंचे और उन्होंने सीधे पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की और सरकार द्वारा अब तक की गई सहायता और कार्रवाई का उन्होंने परिवार वालों से जानकारी हासिल की और परिवारजनों से जानना चाहा कि किस तरह वो इस घटनाक्रम से उभरे और क्या सरकार उनके लिए कर सकती है। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और राजस्थान प्रभारी अविनाश राय पांडे भी साथ थे और अलवर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी साथ थे। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सरकार ने जो अब तक की सहायता की है या कार्रवाई की है उसके बाद पीड़ित परिवार किस तरह से सरकार से संतुष्ट रहे और परिवार की क्या मांग है यह जानने के लिए राहुल गांधी आज थानागाजी आए। ज्योति जी, चंद्रशेखर, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पहुंचना लाजमी भी था और अगर देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण भी हो चुका है। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरह से हम खबरों में सुनते आ रहे हैं कि पीड़ित परिवार की काफी सारी मांगे हैं, तो चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो राहुल गांधी अगर पहुंचे हैं तो उन मांगों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, राहुल गांधी के आने के बाद जो परिवार वालों को एक उम्मीद जगी है कि अब तक जो वो मांग करते आए थे सरकारी नौकरी और प्लस पुनर्वास की, कि ऐसा वातावरण उस पीड़ित परिवार उसके पीड़िता को मिले जिससे इस तरह का जो घटनाक्रम उनके साथ शर्मनाक घटनाक्रम हुआ है उसकी चर्चा नहीं हो और वो अपनी पूरी जिंदगी निश्चिंत भाव से व्यतीत कर सके, इसके लिए उन्होंने पुनर्वास की एक मांग उठाई है, सरकारी नौकरी की मांग उठाई है। सरकार ने हालांकि अपने स्तर पर जो नियमों के अनुसार सहायता और पैकेज थे वो दे दिए गए हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो केस ऑफिसर स्कीम के तहत है उसके तहत जल्दी उनको सजा के लिए भी सरकार ने आश्वासन दिया है। लेकिन जब राहुल गांधी के आने के बाद
क्या पीड़ित परिवार ने मांग रखी है और उस मांग को कब तक सरकार पूरा कर देती है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी अब प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरह की मांग राहुल गांधी के सामने आई और किस क्या आश्वासन राहुल गांधी ने दिया। ज्योति चंद्रशेखर, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे होंगे और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उनके साथ मौजूद रहे, प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत बार बार इस मुद्दे को उठाकर ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर न्याय चाहती है और उचित इंसाफ मिलेगा, और साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा था एक प्रेस वार्ता के जरिए कि इस पूरे मुद्दे पर और पूरे प्रदेश में क्राइम पर कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। चंद्रशेखर, अशोक गहलोत का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ आपको जानकारी मिली, क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान के मुखिया है, सरकार चला रहे हैं, उन्होंने क्लियर इसमें कहा है कि सरकार संवेदनशील मामला है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी और साथ ही ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सीधे SHO लेवल पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अगर थाना स्तर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो SP ऑफिस में रिपोर्ट सीधे SP के द्वारा दर्ज होगी और SC ST के जो इस प्रकार के मामले हैं उसके लिए उन्होंने CO स्तर का अधिकारी भी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से देखा जाए तो इस मामले में काफी गंभीरता बरती जा रही है और किसी प्रकार की कोताही ना बरते इसलिए DG और चीफ सेक्रेटरी भी थानागाजी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है क्योंकि राजस्थान का ये पहला मामला है उस तरह का सामने आया है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार पूर्ण रूप से इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जो सख्त कदम उठाने की बात गहलोत कह रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी चंद्रशेखर, जिस तरह से ये मामला इतना अति संवेदनशील हो चुका है अलवर के थानागाजी में और राहुल गांधी का पहुंचना, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिला, क्या भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया इस मामले को देखकर और साथ ही राहुल गांधी के पहुंचने पर? बिल्कुल, राहुल गांधी से मिलने के लिए विभिन्न संगठनों के लोग भी आए हैं और जो सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं उनकी भी इस तरह के ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा के व्यवस्था के दृष्टि से उनको केवल पुलिस अधिकारी ज्ञापन ले रहे हैं, डायरेक्ट राहुल गांधी से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। अशोक गहलोत और जो स्थानीय मंत्री हैं वो लोगों से चर्चा कर रहे हैं, किसी घटना दुर्घटना या कोई शोर शराबा ना हो इसके लिए पुलिस ने पूर्ण इंतजाम किए हुए हैं और कड़ी चेकिंग के बाद ही हेलीपैड पर चुनिंदा लोगों को जाने दिया जा रहा है। ज्योति चंद्रशेखर, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि पीड़ित परिवार जिस तरह से सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है तो वो सिर्फ पुलिस की नौकरी की ही मांग कर रहा है, उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे साथ ही घटना हुई और पुलिस ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, कोई खास एक्शन समय रहते नहीं लिया, तो उनकी एक मांग है कि वो पुलिस की नौकरी चाहते हैं, तो इस पर प्रदेश के मुखिया का क्या कहना है, क्या उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा? और उनका ये भी कहना है कि पुनर्वास जिस तरह से वो गाँव में अब नहीं रह सकते इस घटना के बाद उनके लिए काफी मुश्किल होगा, वो चाहते हैं कि अलग शहर में उनका पुनर्वास किया जाए, इन मांगों पर क्या कुछ कहना था प्रदेश के मुखिया का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पहले कही जैसा मैं बता दूं कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकारी स्तर पर जो नियमों के अनुसार होगा उसके अनुसार पीड़ित परिवार को और पीड़िता को उसका लाभ दिया जाएगा। जैसा कि मांग आ रही है पुलिस की नौकरी की, उसके लिए डायरेक्ट सरकार की तरफ से तो कोई घोषणा नहीं की जाती, लेकिन जो उनकी योग्यताएं हैं पीड़ित परिवार की और पीड़िता की उसके अनुसार कहीं ना कहीं सरकार ने जो नौकरी देने का वादा किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हो चाहे महिला बाल विकास में किसी पोस्ट का हो, लेकिन जो चूंकि नियमों के दायरे में रहकर ही नौकरी की घोषणा की जा सकती है। ज्योति जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें अपडेट करते रहे। तो एक बार फिर से बता दूं कि अलवर के थानागाजी का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और हर कोई राजनीतिक पार्टी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंच रहे, इसी के तहत चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अलवर पहुंचे, पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया।